इसलिए कि तुम मोहम्मदम हो और तुम दो बोलोगे देंगे हम ना, तुम देता है तुम छुपा है छुपा रहा है छुपावत आई छुपावत आई बोले सही देते हैं हम कहीं दे मैं बोल रहा हूँ नहीं एक अच्छी बात है वोट तो गुप्त रखना अधिकार है ना देते हैं कि बीजेपी में नहीं देगा सभी नहीं कोई नहीं देगा यहाँ के लोग इसलिए नहीं देगा कि इसको पता है कहीं नहीं देगा इसका छोड़िए आप बोल रहे हैं कोई नहीं देगा वो बाबू साहब देगा कुशवाहा लोग देगा लोग फिर से बनिया लोग देगा लोग लेकिन मजा नहीं जो आरजेडी के सरकार में राय जी मुसलमान लोग दे दे इंजन कारखाना किसको दिया हुआ है बीजेपी कुशवाहा को नहीं दिया कैसे कहते कुशवाहा वोट देगा बीजेपी को ठीक। अब यहाँ पर सर ये बात है यहाँ पर विकास को मुद्दा के हटा के अब धार्मिक मुद्दा लाया जा रहा है क्योंकि आपकी हाँ यहाँ धर्म के बात ही ला दी क्योंकि छपरा के जनता आपके धर्म पे वोट नहीं करेगी क्योंकि छपरा की जनता जान चुकी है कि धर्म के नाम पर क्यों राजनीति होता है विकास कुछ नहीं हो रहा है और मोदी जी का 400 पार करने का मतलब जनता जान चुकी है कि रहर का दाल 400 पार होगा करू तेल 400 पार होगा खाने पीने का सब चीज 400 पार होगा डीजल 400 पार होगा पेट्रोल 400 पार होगा 400 पार का मतलब उनका यही है ये जनता से। अब मोदी की गारंटी मोदी जी जिसको 40 साल पहले गारंटी दिए उसका तो गारंटी लेवे नहीं किए मोदी जी उसका हम लोग का गारंटी लेंगे। मोदी जी कहते हैं कि कांध से ऊपर छाती नहीं और धर्म का ऊपर जाति नहीं। मोदी जी का कहना है कि कांधा का ऊपर छाती ना होला धर्म का सामने कौनो जात नहीं है। इंजन कारखाना लालू यादव के देहल है कि मोदी जी के देहल है? इंजन कारखाना लालू जी के देहल है। गांधी धाम गुजरात मोदी जी ले गए अब ही इंजन लागल हुई तो देखा दे कि गांधी धाम गुजरात लिखल बा लोको से जबकि छापरा भारत के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म छापरा सोनपुर मानल जला आ तब गुजरात कहे गल गुजरात तो पहले ही से विकसित रहे अंग्रेजे के जमाना से विकसित रहे अंग्रेज का इंग्लैंड जाए के रास्ता वही में ही रहे आवे के रास्ता वही में ही रहे तो गुजराते में अंग्रेज ठहरत रहे तो ठहरत जहाँ ठहरी कोई तो ओकरा के विकास करी तो ए लेकर के सब पार्टी के छोड़ छाड़ के निर्दल के वोट देहल बहुत अच्छा कहा है घूमूंगे निर्दल पर क्यों यूनिवर्सिटी भी दिए थे लालू यादव आज यूनिवर्सिटी का कहा दशा है कि हम अपना लड़का मतलब कि इलाहाबाद पढ़ा रहे हैं यहाँ नहीं पढ़ाते कुछ लोग मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं कुछ लोग पटना पढ़ा रहे हैं क्या खूबी है बीजेपी नीतीश और रूढ़ी जी में चाहे मोदी जी में कि छपरा में यूनिवर्सिटी रहते हुए हम इलाहाबाद में कहे लड़का को अपना पढ़ा रहे हैं इसका हम आप पूछे हैं ना कि सब लोग घूम फिर करके निर्दल पे क्यों आ रहे हैं। अभी हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प निर्दल का है निर्दलीय का है वो इसलिए क्योंकि ना तो हमारे जो सीटिंग सांसद हैं वो हमारे मुद्दों की बात करते हैं और ना ही जो अदर पार्टी है वो करती है तो क्यों ना हम यहाँ के लोकल को हम यहाँ पे राजनीति में लाएं जो हमारे यहाँ रहा है वो हमारी दुख को समझता है हमारी चीजों को समझता है कि जो विदेश से आकर के आ जाएगा चुनाव लड़ जाएगा वो हमारी बातों को जानता है नहीं जानता है जो रूढ़ी जी कभी छपरा में रहते नहीं है वो कैसे जानेंगे हमारी मुद्दों को कैसे पता चलेगा। आप जा करके देखिए ये जो बाईपास है नगर निगम जा करके वहां पे पूरा जो कचरा है वो डंप करता है जो हमारा छपरा है वो प्रदूषण के मामले में आप जानेंगे कि एशिया के सबसे टॉप 10 में है ना आप भी जानते हैं भैया इस प्रदूषण को हमारे यहाँ पूरा प्रदूषण होता है खुलेआम प्रदूषण होता है किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप पूरे नगर निगम जिला प्रशासन या जो भी राजनीतिक प्रशासनिक लोग हैं किसी के द्वारा एक भी पहल नहीं देखेंगे कि प्रदूषण को रोकने के लिए जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कि हमको स्वच्छ हवा का अधिकार है स्वच्छ वातावरण का अधिकार है ये हमारा मूलभूत अधिकार है मौलिक अधिकार है उस पर कोई बात ही नहीं करता उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता तो हम क्यों इनका सपोर्ट करेंगे। हम उस निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे जो हमारे यहाँ रहता है हमारे मुद्दों को जानता है उसको पहचानता है उसके लिए प्रयास करे ये तो प्रयास भी नहीं करते हैं
जो प्रयास करेगा हमारे लिए हम उसको वोट देंगे। दोनों दोस्त हो गया। सबसे पहले तो इसलिए पूछे कि आप खड़े रहे, वो मोबाइल निकाल रहे थे। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, आम लोग जब मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं तो होता है। सबसे पहले तो आपका अमर उजाला के जो आप पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये चाय पे चर्चा ऑर्गेनाइज की उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं जो है हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जनता जो है जागरूक होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। भी नहीं पता साहब, मैं बिहार का नहीं हूँ, आप लोगों से बात करूंगा तभी समझ आएगा। बिल्कुल, तो इस चीजों को जो है वो सामने लाने का काम जो है मीडिया का होता है, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में। बिल्कुल, मेरा नाम अमित सिंह हुआ। लोग मुझे जो चीज पूछनी है ना, मैं सीधा सवाल पर आता हूँ, वो ये कि सारण के, छपरा के, इस लोकसभा के अपने मुद्दे क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? 50 लोगों में कोई लोकसभा का रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल, वो करना भी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, पर मुद्दा क्या है? बिल्कुल जी हाँ, सबसे पहले तो हम अगर मुद्दे की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा रोजगार का है। अगर बात करें, यहाँ भारत की आबादी जो है युवाओं की है, और हमारे सारण में भी युवाओं का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहला मुद्दा रोजगार का आता है। क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो वो देखना चाहते हैं कि कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, और आपका कोई व्यवसाय जो भी हो, मतलब जिस स्तर से आपको इंडिकेट किया जाए, इंगित किया जाए, उसमें आप उस कामों को करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की, जो हमारे यहाँ की मुद्दे है, उसमें अहम रोजगार तो है ही, युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्धता हो, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो छपरा टू पटना NH है सड़क, जो अभी तक वो निर्माणाधीन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।